सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए सामूहिक चल समारोह भी अनुमति नहीं होगा। लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। ठीक है, अब लेकिन चल समारोह बड़े स्तर पे जैसे निकलता था, जैसे हम शुरू में देखते थे सब लोग जा रहे हैं नाचते गाते हैं जिसको विसर्जन करते हैं, वैसा नहीं कर पाएंगे। उसमें इन्होंने हमें एक और पॉइंट टू इसमें रेलेवेंट है, मूर्ति का विसर्जन संबंधित आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा। विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी। पिछले वीडियो में कई सारे सवाल आए जो कि आपके डाउट्स थे, तो इस वीडियो में हम वो सारे डाउट्स कवर करेंगे और उसके जो सॉल्यूशंस हैं मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं मैं जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं मेरे एक्सपीरियंस बेस्ड है। मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया था और 4 बार मेंस, सो इस जो एक्सपीरियंस है उसको आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें जो गलतियां हैं वो आपको नहीं करनी है, तो ये जो भी आपने सवाल पूछे हैं इसी एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको जवाब दूंगा। नीतीश कुमार ने पूछा है कि आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली बट आई वॉन्ट टू प्रिपेयर एट दिस एग्जाम, हाउ टू स्टार्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड। देखिए, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है गरीबी आपको नहीं रोकती है सिविल सर्वेंट बनने से, गाइडेंस ना मिलने की वजह से ज्यादातर लोग फेल होते हैं और पॉवर्टी जो होते हैं अभी जो फिलहाल जो है आपको यूट्यूब में या फिर हर जगह आपको गाइडेंस के पूरे साधन अवेलेबल है, तो पॉवर्टी इज नॉट द रीजन वाई वी फेल। जैसे मेरे सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज रहे हैं, लेकिन आज मैं डाउन द लाइन में जानता हूँ कि गरीबी की वजह से नहीं था मेरा जो फेलियर हुआ था, मेरा फेलियर गाइडेंस ना होने की वजह से और अपने मिस्टेक्स को प्रॉपरली एनालाइज ना करने की वजह से हुआ है। तो आप अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करिए और ये जो एस्पेक्ट है कि फाइनेंशियल स्टेटस खराब है इस वजह से डिफिकल्टी आएगी, ये हटा के रखिए। ये एक मेंटल ब्लॉकेज है जो आपको हमेशा प्रॉब्लम करता रहेगा। अगर आपके अंदर जिद है तो आप कर सकते हैं, हमसे हो पाएगा, अगर हम सोचेंगे हमसे हो पाएगा तो हो पाएगा। तो बस इसी चीज पे फोकस करिए। आगे के जो सवाल हैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। आपको जो भी डाउट है, चाहे वो सिली डाउट ही लगे, कभी कभी सिली डाउट ही होते हैं जो आपको क्लियर करने में हेल्प कर देते हैं, तो वो डाउट भी पूछिए और मैं आपको उनके जवाब दूंगा। इतने सारे सवाल हैं एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे सवाल लूंगा और इस वीडियो में जो भी आपके कमेंट्स हैं उसे भी चेक करूंगा और उसके भी जवाब मैं अगले वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।